गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज सुनील सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बाल गंगाधर तिलक। टॉपिक चलेगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बीए पार्ट थर्ड ईयर। ठीक है, बीए पार्ट थर्ड ईयर। टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक और किताब का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास है बच्चों। ये बाल गंगाधर तिलक का हम देख रहे हैं। घटनाकाल कहाँ से शुरू होगा? 1916 से 1920 का घटनाक्रम शुरू होता है। 1916 से 1920 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। और ये क्या बन जाएंगे? ये मित्र बन जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने बच्चों बताया था 1907 के अंदर, 1907 में एक संधि होती है, सूरत की संधि। और सूरत की संधि में एक नाम जो है वो पेश किया जाता है। वो कौन का नाम पेश किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने के लिए पेश किया जाता है। उग्रवादी जो होते हैं वो बाल गंगाधर तिलक का नाम रखते हैं। उदारवादी रास बिहारी बोस का नाम रखते हैं। वहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है, उदारवादी और उग्रवादी एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल जो मन में आए जो शुरू हो जाता है, फेंकने शुरू होते हैं। जूते चप्पल जो मन में आ रहा है वो गाली गलौज वगैरह जो है शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। और वहीं से क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा। और वहाँ उदारवादी और उग्रवादी दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब वहीं से 1907 का सूरत के अधिवेशन की जो फूट पड़ती है, वहाँ से उदारवादी अपने अलग रास्ते जा रहे हैं और उग्रवादी अपने अलग रास्ते जा रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं बच्चों कि अब 1916 के अंदर उदारवादी और उग्रवादी वापस दोनों एक हो गए हैं, दोनों में समझौता हो गया, दोनों आपस में मित्र हो गए हैं। जब कोई भी समस्या होगी दोनों मित्र बैठकर हल करेंगे। तो यहाँ उदारवादी उग्रवादी एग्रीमेंट होगा, इसको एक समझौता कहते हैं। और 1916 के अंदर एक समझौता होता है, उसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। 1916 में एक समझौता होता है और ये समझौता क्या कहलाता है? ये भारत के इतिहास में लखनऊ समझौता कहलाता है। जगह कौन सी रहेगी? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में है। लखनऊ समझौता होता है और एनी बेसेंट के सहयोग से ये समझौता होता है। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर एक लखनऊ समझौता करते हैं। ये पहली घटना है। अब 1920 के बाद हम आगे चल रहे हैं बच्चों। 1916 के बाद 1917 में जो कांग्रेस का INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन को बनाएंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप 1918 और 1919 में बाल गंगाधर तिलक यात्रा करते हैं। कहाँ की यात्रा करेंगे? इंग्लैंड की यात्रा करते हैं। और वो इंग्लैंड में जाते हैं और इंग्लैंड में जाके जगह कौन सा रहेगा? लंदन। वहाँ एक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, संसार के अंदर 1919 में एक संधि होती है और वो संधि कहाँ पर होती है? ये संधि पेरिस में होती है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस में ये एक स्मरण पत्र भेजते हैं। क्या भेजते हैं? एक स्मरण पत्र भेजते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक स्मरण पत्र भेजते हैं 1919 में। और यहाँ से इनका रिटर्न टिकट होता है ये इंग्लैंड के पास में। पहले मैंने आपको बताया था यहाँ इंग्लैंड है, यानी ब्रिटेन जो है, पावर जो होती है, जलजला जो होता है वो इंग्लैंड है। वो पूरी दुनिया की जो शक्ति है वो इंग्लैंड है बच्चों। और यहाँ इंग्लैंड के यहाँ ये जो है वो चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है। और दक्षिणी अफ्रीका के यहाँ अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से किनारे किनारे कैप ऑफ गुड्स एक जगह होती है, वहाँ से हिंद महासागर अरब सागर होते हुए भारत में
दक्षिण भारत में बंदरगाह पर, कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा जाता है, और यहाँ से फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की यात्रा भी की जाती है। तो यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो वापस कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है। और वो जगह कौन सी जगह पे जाएंगे, वो पंजाब जाते हैं। कौन सी जगह जाते हैं, पंजाब। यहाँ ये पंजाब में जाते हैं, और पंजाब में जाते हैं यहाँ एक अधिवेशन हो रहा है, अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। ये कौन सा अधिवेशन है, ये अमृतसर अधिवेशन है, ये 1919 में होता है। ये पंजाब की जगह, पंजाब का अमृतसर है, अमृतसर में ये अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं बच्चों, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं। ये जो पंजाब का अमृतसर अधिवेशन 1919 का, ये बाल गंगाधर तिलक का, ये अंतिम, बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। कॉम्पिटिशन में अगर ये पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कौन से अंतिम अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो उनका अंतिम अधिवेशन 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है बच्चों, ठीक है। अमृतसर अधिवेशन 1919 पंजाब का। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, तिलक की जो पिछली बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, यहाँ पे 1916 से 1920 का घटनाक्रम देखा गया। 1916 से 1920 यहाँ उदारवादी और उग्रवादी को एग्रीमेंट होता है। 1916 में एक समझौता होता है जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, ठीक है। 1917 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट है, ठीक है। 1918-1919 में इंग्लैंड में, ये लंदन में जाते हैं, होम रूल लीग की स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ 1919 में ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्मरण पत्र भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पंजाब के अमृतसर के अधिवेशन में ये अंतिम रूप से शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाल गंगाधर तिलक की सामाजिक विचारधारा क्या थी और इसकी राजनीतिक विचारधारा क्या होती है। बाल गंगाधर तिलक समाज में कौन कौन से लोगों से मिलते हैं और राजनीति में इनका क्या लक्ष्य होता है, क्या इनका इनका लक्ष्य जो है क्या लक्ष्य होता है, स्वराज्य इनका लक्ष्य होता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कौन कहते, ये बाल गंगाधर तिलक कहते थे। अब यहाँ बाल गंगाधर तिलक का सामाजिक विचारधारा, ठीक है, सामाजिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा, ठीक, दो धाराएं हैं यहाँ पे, एक सामाजिक विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा है। सामाजिक विचारधारा में ये प्रारंभ में क्या होते हैं, प्रारंभ में ये उदारवादी होते हैं, लेकिन ये बाद में क्या बन जाएंगे, उग्रवादी बन जाते हैं। और समाज के अंदर, सामाजिक विचारधारा का मतलब होता है समाज में बाल गंगाधर तिलक जो है वो वेदों के ऊपर, वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। वेद कितना है बच्चों, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और वेदों के अंदर गायत्री मंत्र भी जो है, वेदों के अंदर गायत्री मंत्र भी होता है। ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल से इसको देखा जाएगा। यहाँ वेद है उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है बच्चों। वेद, उपनिषद, पुराण है, और वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, इन सब का अध्ययन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह का विरोध करते थे। बाल गंगाधर तिलक विधवा विवाह का समर्थन करते थे, विधवा विवाह का क्या करते थे, समर्थन करते थे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने सामाजिक विचारधारा में समाज के अंदर जो है परिवर्तन को इन्होंने बल दिया था। इनके समय में एक एक्ट आया था 1891 में, अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित कर दिया था, उस एक्ट का नाम था एज ऑफ क्या था बच्चों, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है। क्या नाम है, ध्यान से देखो इसको, क्या नाम है, एज ऑफ, ये कौन सा एक्ट है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट है। ये एज ऑफ कॉन्सेंट क्या होती है, क्या चीज़ है ये,
ठीक है बच्चों, देखो ये जो कॉन्सेंट कॉन्सेंट एक्ट का मतलब होता है, यहाँ एज ऑफ कॉन्सेंट का मतलब होता है सम्मति, सम्मति आयु अंग्रेज के, अंग्रेज जो है वो 10 से 12 वर्ष विवाह की आयु तय कर देते हैं, वो विवाह की जो आयु है वो 10 से 12 वर्ष सम्मति आयु, विवाह की आयु ये तय करते हैं, इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं। अंग्रेज जो है वो समाज के अंदर हस्तक्षेप करेंगे और समाज में हस्तक्षेप करने के बाद वो कहते हैं कि कन्या की विवाह की जो आयु है वो 10 से 12 वर्ष की कन्या जो है विवाह कर सकती है, ये एक एक्ट बना देते हैं। ये 1891 का एक्ट कहलाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसका विरोध सबसे पहले कौन करेंगे, बाल गंगाधर, इसका विरोध करते हैं। ये देशभक्त होते हैं, इनका पूरा जीवन जो है बलिदान से गुजरता है, इनका लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य होता है, ये नौकरशाही से लड़ना चाहते हैं और ये जो है इनका सेवा और त्याग इनका जो है धर्म होता है और ये समय से आगे चलने वाले होते हैं बच्चों। ठीक है, देखो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इसका विरोध किया था और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि विदेशियों को और जो है अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का हमारे समाज में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहे थे, ये बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे। 1891 में जब ये एक्ट आया था तो इसका जबरदस्त विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देख रहे हैं हम सामाजिक विचारधारा में, सामाजिक विचार कौन 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 से विद्वाना बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव पड़ा था, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव पड़ा था, वर्ग का प्रभाव पड़ा। बुद्धिजीवी वर्ग में कौन है, पहले नंबर पे हीगल है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कांट है, तीसरे नंबर पे कौन है, मिल है, जेम्स मिल, चार नंबर पे जॉन है और आपके 5 नंबर पे रूसो है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी किताब का नाम था। रूसो ने कहा कि मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही वो जंजीरों से जकड़ा होता है, मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है, ये रूसो कहते हैं। रूसो जो है, रूसो ये बात कहते क्रांति के समय। आगे देखो रूसो के बाद में कौन है, वॉल्टियर। ये सब जो बुद्धिजीवी वर्ग है इनका इफेक्ट बाल गंगाधर तिलक पर होता है, बाल गंगाधर तिलक पर इनका इफेक्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 किताबें लिखी, द आर्यंस, आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन ये इनकी पहली किताब थी और गीता रहस्य इनकी दूसरी किताब थी, गीता रहस्य इनकी दूसरी किताब होती है। सामाजिक विचारधारा में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, सामाजिक विचारधारा में समाज के अंदर इनके विचार कैसे थे, ये वेदों का अध्ययन करते थे, ये उपनिषदों का अध्ययन करते थे, ये पुराणों का अध्ययन करते थे, स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था, परिवर्तन ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है और इन पे बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव होता है, हिगल का, कांट का, मिल का, जॉन का, रूसो का, वॉल्टियर का। यहाँ यहाँ देखिए 1891 में एक एक्ट आता है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, इस एक्ट का विरोध कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक करते हैं, इसको सम्मति आयु एक्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, इस एक्ट का विरोध किसने किया था, इस एक्ट का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 2 किताबें लिखी थी, पहली किताब का नाम आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, दूसरी किताब का नाम गीता रहस्य होता है, दूसरी किताब का नाम क्या होता है, गीता रहस्य होता है। आगे देखिए पट्टाभि सीता रमैया, पट्टाभि सीता रमैया, पट्टाभि सीता रमैया ने, पट्टाभि सीता रमैया ने गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की तुलनात्मक रूप से इन्होंने तुलना की इन दोनों की, ये इन दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, पट्टाभि सीता रमैया, पट्टाभि सीता रमैया जो है बाल गंगाधर तिलक और गोखले, राजनीति के अंदर ये दोनों ही व्यक्ति पूर्ण रूप से पहले देशभक्त माने जाते हैं बच्चों, ये पूर्ण रूप से पहले देशभक्त माने जाते हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले और इधर है आपके बाल गंगाधर तिलक। तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले इन दोनों का क्या होगा, तुलना होती है, तुलना कौन करता है, पट्टाभि सीता रमैया करते हैं। पट्टाभि सीता रमैया ने इन दोनों की तुलना की है, वो कौन कौन से क्षेत्र में तुलना करते हैं,
बाल गंगाधर तिलक जो थे पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी प्रथम श्रेणी के देशभक्त थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया था, जीवन भर वो बलिदान करते रहे। इधर गोपाल कृष्ण गोखले भी पूरे जीवन भर बलिदान करते रहे, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इधर ये जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जो है ये उग्रवादी प्रवृत्ति के थे और वो उधर गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी प्रवृत्ति के थे। ये नौकरशाही से लड़ना चाहते थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक, और वो नौकरशाही के साथ चलना चाहते थे, ठीक है। इधर ये जो है प्रेम और त्याग की भावना किसमें दी, गोपाल कृष्ण गोखले में दी। सेवा और त्याग की भावना किसमें दी, वो बाल गंगाधर तिलक में थी बच्चों। प्रेम और सेवा की भावना किसमें थी, गोपाल कृष्ण गोखले में थी। और सेवा और त्याग की भावना किसमें थी, ये आपके बाल गंगाधर तिलक में थी, ठीक है। अब देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो संविधान में सुधार करना चाहते थे। इधर आपके बाल गंगाधर तिलक संविधान का निर्माण करना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक। और उधर जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले संविधान में सुधार करना चाहते थे। ये जहाँ तक संभव हो गोपाल कृष्ण गोखले नौकरशाही से लड़ना नहीं चाहते थे, वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले समय के सच्चे और समय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो समय से बहुत आगे थे, वो एडवांस पर्सन थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है बच्चों। बाल गंगाधर तिलक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि वो भारत के सच्चे देशभक्त थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारत के सच्चे देशभक्त थे। जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ठीक है। कौन कह रहा है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनको हम जो है प्रेम से चाचा नेहरू भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू 1919 के कांग्रेस के अधिवेशन के की अध्यक्षता करते हैं। 1919 के कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं, ठीक है बच्चों। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। अब देखिए यहाँ पे एक बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि तुम स्वावलंबी बनोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें स्वराज्य प्राप्त होता रहेगा, होता है। अगर तुम स्वावलंबी बनते हो तो स्वराज्य ऑटोमेटिक प्राप्त होता है, बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे एक अंग्रेज ऑफिसर ने बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा है कि अगर कोई देश के अंदर सच्चा जो अगर क्रांतिकारी है तो वो कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक है। अगर कोई सच्चा उग्रवादी है तो वो कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक है। रोमिया रोला एक इतिहासकार उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, स्वराज्य की प्राप्ति करना। रोमिया रोला ने ये कहा है कि बाल गंगाधर तिलक का एकमात्र लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्त करना, ठीक है बच्चों। एक विद्वान और आता है वैलेंटाइन शिरोल, उनको अशांति का जनक कहते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। जो है वो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। ये जब छोटी उम्र के होते हैं तो कई जो है 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे ये श्लोक याद कर लेते हैं बच्चों। इनको खूब सारे श्लोक, इतने श्लोक याद होते हैं कि जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। संस्कृत के श्लोकों को याद कर लेते हैं, बाद में
दक्कन तापी वही से इनका विवाह होता है, दक्कन कॉलेज में इनका एडमिशन होता है, 3 साल की बीए फाइनल की डिग्री को पूरा कर लेते हैं, और फाइनल की डिग्री जो है 3 साल में वो फाइनल की डिग्री पूरी करने के बाद लॉ की पढ़ाई करते हैं, वो LAW लॉ यानी कानून की पढ़ाई करते हैं, और कानून की पढ़ाई करने के बाद वो न्यू इंग्लिश स्कूल का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं? वो न्यू इंग्लिश स्कूल का निर्माण करते हैं बच्चों। और न्यू इंग्लिश स्कूल का निर्माण करने के बाद वो जो है एक फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं 1884 के अंदर। 1884 में दक्कन कॉलेज की स्थापना करेंगे, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं, और बाद में हम ये देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका राजनीति के अंदर, राजनीति जो है 1885 और 1905 तक वो उदारवादी विचारधारा के रहते हैं, लेकिन बाद में वो उग्रवादी बन जाएंगे। वो क्या बन जाते हैं? उग्रवादी बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। 1897 में बम्बई विधान परिषद में उनको सदस्य चुना जाता है। 1893 में वो गणेश 1893 गणेश उत्सव मनाते हैं। 1893 के बाद 1895 में 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव मनाते हैं, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो आगे जो है, आगे की रणनीति 1905 के अंदर जो घटना घटित होती है, यहाँ क्रांतिकारी यहाँ से ब्रिटेन जाएंगे, इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन जाते हैं, और इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद वो ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन में लंदन के अंदर क्रांतिकारियों का एक होम होगा जिसको इंडिया हाउस कहा जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, उनकी जगह दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है जिसमें उदारवादी और उग्रवादी में आपस में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे पर जूते चप्पल फेंकने लगते हैं, और बाल गंगाधर तिलक का नाम जो है नहीं लिया जाता है, और अध्यक्ष के पद पर रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है बच्चों, रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे की बात करते हैं, 1908 के अंदर एक घटना घटित होती है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी की बात मैंने आपको बताई थी। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चौकी जो है यूपी के मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर क्या बम गिरा देते हैं बच्चों, ठीक है, बम गिरा देते हैं, और उनके आरोप में उनको खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है, और खुदीराम बोस को क्या दी जाती है? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और प्रफुल्ल चौकी को गोली से उड़ा दिया जाता है। और उसके बाद जो उन पर आरोप लगाया जाता है बाल गंगाधर तिलक को, इनको मांडली जेल में बंद कर दिया जाता है 1908 से 1914 तक, 6 साल तक वहाँ एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम होता है गीता रहस्य उस किताब का नाम होता है। 900 पृष्ठों की यह किताब होती है, 900 पृष्ठों की यह किताब होती है, ठीक है। आगे देखो, 900 पृष्ठों की यह किताब होती है, इस किताब का नाम गीता रहस्य होता है। ये किताब जो है ना वैदिक आर्टिक ऑफ वेदांत आर्यन की एक दूसरी किताब, दो किताबें लिखी थी, एक गीता रहस्य लिखी थी और एक आर्कटिक ऑफ द वेदांत आर्यन किताब लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने दो किताब लिखी थी अपने जीवन के इतिहास में। ये प्रथम श्रेणी के देशभक्त होते हैं, इनका पूरा जीवन जो है बलिदान में गुजरता है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब 1907 के बाद, अब हमने 1914 तक बात की थी, 1914 से 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा होता है, और 1916 के अंदर क्या होगा, भारत में लखनऊ समझौता होता है, एडिबिसेंट के सहयोग से लखनऊ समझौता होता है। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनती है? एनिबिसेंट बनती है। 1918 के अंदर 18-19 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 1919 में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन चल रहा होता है, उसमें ये स्मरण पत्र भी देते हैं। 1919 में अंतिम अधिवेशन जो होता है अमृतसर का अधिवेशन, पंजाब में अमृतसर के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। पंजाब के अमृतसर के अधिवेशन के मोतीलाल नेहरू होते हैं, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी होते हैं। मोतीलाल नेहरू 14 सूत्री मांग पत्र भी तैयार करते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1923 की स्वराज पार्टी की स्थापना में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के सहयोग से वो स्वराज पार्टी बनी होती है, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी बनने के बाद मोतीलाल नेहरू जो है वो 14 सूत्री कार्यक्रम बनाते हैं। इधर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक को भारत का
जो है बाल गंगाधर तिलक को भारत के राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोम बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते हैं, मोंटेग्यू जो थे वो कहते हैं कि अगर कोई उग्रवादी है बच्चों और कोई सच्चा उग्रवादी है तो वो कौन है, वो बाल गंगाधर तिलक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।